वेलकम बैक टू नाजायज मोटर्स। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने 10,000 नहीं 20,000 नहीं पूरे 80,000 रुपए कमाए थे गाड़ियां बेच बेच के। बट हाँ, उसके बाद मैं एक 30,000 की गाड़ी और लेके आ गया था, जिसको मैंने सेल पे लगा रखी थी 50,000 पे। सो लेट्स गो, आज देखते हैं भाई वो 50,000 में बिकेगी या नहीं बिकेगी। और अगर वो आज 50,000 में बिक गई तो अपन जाने वाले हैं कार मार्केट में और वहां से तगड़ी कार उठा के लेके आने वाले हैं। सो लेट्स गो। अभी गाइस मैं घर पे आया था सोने, यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं अपने ऑफिस में और देखते हैं भाई ऑफिस ओपन करके अपने उस 50,000 वाली कार के लिए कस्टमर्स वगैरह आते हैं कि नहीं। सबसे पहले ऑफिस ओपन करो, उसके बाद अपनी कूड़ा करकट उठाते हैं भाई। अब मेरा थोड़ा शोरूम ना बड़ा होता जा रहा है, तो अब मेरे को भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो बेगर आता है उसको मेरे को रख लेना चाहिए। अगर अब की बार आएगा तो मैं उसको रख लूंगा भाई। बाकी मेरी धन्नो गाइस नेबरहुड में पड़ी है, तो क्यों ना उस धन्नो को लाया जाए। उससे पहले ऑफिस तो ओपन ही, चलो ठीक है अपन सबसे पहले अपनी धन्नो को ही लेके आते हैं। मैं सोच रहा था अगर ये गाड़ी के लिए कोई कस्टमर आ जाता तो उसको कौन देखता, बट ठीक है देख लेंगे कस्टमर को अभी अपन आके। उससे पहले अपनी धन्नो, हेलो धन्नो, अच्छा उस वाले सोसाइटी में होगी। उससे पहले मैं इधर कुछ तहकीकात कर जाता हूँ और अपने को डस्टर जैसी गाड़ी मिल रही है। हेलो मैम, कितने में दे रहे हो आप ये गाड़ी? 27 में दे रही मैम गाड़ी, ठीक है इसको बार्गेन करते हैं। और 23,000 में अगर आप ये गाड़ी मेरे को देती है ना, तो मैं अभी की अभी ले जाऊंगा, कोई नखरे नहीं करूंगा। ओके लेट्स गो भाई, कितने सस्ते में? एक सेकंड 40% डैमेज भाई, शिट। लेकिन ठीक है मैंने अच्छा खासा ऑफ करवा लिया था, इससे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन डायरेक्ट टो करवाते हैं रिपेयर पे, ठीक है 16,000 अभी भी है। अगर कोई गाड़ी मिल जाएगी तो वो ले चलेंगे, वरना अपनी धन्नो लेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। ये गाड़ी सस्ती सी लग रही है। बाकी गाइस अपने पास स्किल पॉइंट्स वापस खुल गए हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, स्पॉन्ज खोल लिया जाए या फिर इन्फो। अगर देखो अभी मैं ना, जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं बना हुआ आएगा, और यहाँ पे मेरे को शो कर देगा कि कितना डैमेज है कितना नहीं, जिससे कि इनसे अच्छा बार्गेन कर सकूंगा, ठीक है। तो गाइस क्या कहते हो, स्पॉन्ज की जगह पे ये ऑन कर दिया जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर गाड़ी डर्टी बिक भी जाती है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए अपन ये अनलॉक करते हैं, एंड इसके बाद अपने को मिलेगा लो डैमेज, योर व्हीकल नाउ टेक्स लेस डैमेज। अगर अपन ये वाली स्किल खोल देते हैं तो अपनी व्हीकल अगर कहीं पे टकराएगी तो डैमेज लेस होगा। बाकी उसके बाद बेस्ट प्राइस है सेलिंग, सो द बेस्ट सेलिंग प्राइस फॉर योर व्हीकल्स। उसके बाद रिपेयर स्पीड है, फ्यूल प्राइस है, पेंटिंग प्राइस है, एंड रिपेयर प्राइस है। ओके लेट्स गो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। और एम्प्लॉय कार वॉश भी है, जो कि अपना कार वॉश कर देगा एम्प्लॉय। बाकी गाइस ये देखो, अभी ये 0% डैमेज है, ठीक है, और ये मेरे को 7,000 में लेने को बोल रहा है। तो गाड़ी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे को लगा था थोड़ा सस्ते में मिल जाती। अगर 7,000 की लेनी है तो ऐसी कुछ गाड़ी लूंगा ना मैं ये, लेकिन थोड़ी महंगी सी क्यों लग रही है भाई। डैमेज बहुत है, डैमेज बहुत है, 35 की दे रही है, बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत महंगी दे रही है, बहुत सस्ती करो इसको, बहुत सस्ती करो। 35 की दे रही थी भाई, ले ही नहीं सकता था यार। ये ले लूं क्या, ये गाड़ी डैमेज नहीं है, पर इसको लेके जाना पड़ेगा फिर मेरे को गाड़ी को। छोड़ो उस गाड़ी को, मैं बस से आके फिर लेके जाऊंगा। ये भी वही गाड़ी लग रही है, अगर ये सस्ते में दे रहा हो देखते हैं भाई। देखो सब कुछ पता पड़ रहा है, ये भी 0 डैमेज है, और 2000 में बार्गेन करते हैं। 2400 में दे रहा है ना, 1800 में ले ले, चल बेटा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, एक्सपेक्टिंग हायर तेरी, चल 2000 बेटा, तू भी याद रखेगा सिर्फ 400 कम कराए, बहुत पैसा है, ले ले भाई। ओके आई नीड टू थिंक, डबल ट्रिपल चेक तेरी, आई नीड टू थिंक है। बाकी डैमेज तो है नहीं, डर्टी है, क्या करा जाए यार। स्पॉन्ज पता है भाई, स्पॉन्ज ले लिया जाए ना तो बहुत काम बन जाए। स्पॉन्ज ले ही नहीं रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है अब की बार लूंगा स्पॉन्ज। ये डैमेज है, ये कार दे रहा है 6,000 की, बार्गेन कराते हैं, ये मेरे को आराम से दे देगा। 24% डैमेज है ना, ये आराम से मेरे को 5,000 में दे देगा। दे 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 दे, आई एम सॉरी। अरे यार 6,000 की तो दे ही रहा है, इतने कम कराऊं फिर देर से, बताइए कोई बात है। एंड लेट्स गो, थैंक यू फॉर योर ट्रांजैक्शन भाई। इसको मैं रिपेयर शॉप पे रखवा सकता हूँ, इसको रखवा देता हूँ मैं रिपेयर शॉप पे, ठीक है। अभी इस अपनी धन, ओके यार ये गाड़ी भी तो खरीद दी है मैंने, बाकी वो भी दे रहा था। एक काम करता हूँ गाइस, इस धन्नो को लेके चलते हैं, आगे वाली गाड़ी अपन परचेज करते हैं और वहीं की वहीं छोड़ देंगे। फिर अपन बस से आएंगे, दो बारी बस से आना पड़ेगा, फिर अपन गाड़ियों को लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे को शॉप पे भी अपने स्लॉट खुलवाने पड़ेंगे, जिससे कि मैं अपनी गाड़ी टो करवा सकूं, ठीक है। और भाई गाड़ी ठोक के गया है वो मेरे सामने, लेकिन ठीक है डैमेज नहीं हुई अपनी कार। इससे अपनी कार खरीद देते हैं, ये दे रहा था मेरे को 7 की दे रहा था, बार्गेन कराते हैं 6,800 में। दे दे भाई गाड़ी, दे दे यार, चलेगा चलेगा, इतना चलेगा। ओके सेटिस्फाइड है भाई बंदा। ये भी गाड़ी ज्यादा टूटी हुई नहीं है, इसको भी खुद ही लेके चलेंगे बाद में। अभी चलते हैं इस गाड़ी से, या फिर टो का ऑप्शन आ रहा है तो इस गाड़ी को टो करा देते हैं, क्योंकि ये अपने को ना वॉश करानी ना कुछ करानी, तो इस गाड़ी को लेके चलते हैं। ये गाड़ी डर्टी तो होगी ना, हाँ डर्टी तो है। इस गाड़ी में बैठो, गाड़ी को ऑन करो, एंड लेट्स गो भाई। ये भी सही चल रही है गाड़ी, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ से जाना ही नहीं अपने को, अपने को जाना है सीधा यहाँ से, नहीं सीधा भी नहीं जाना बे, गलत है ठोकना नहीं भाई, गाड़ी बिल्कुल डैमेज
नहीं, अगर तुम लोगों ने डैमेज करी मैं मार दूंगा तुम लोगों को। लेट्स गो, इधर से शायद मेरे को जाना है लेफ्ट। भाई 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 ये भागते हुए क्यों आ रहे थे यार? कोई बात है यार, ये यार इतनी जोर से भागते हुए आ रहे थे यार ये लोग। देखना देखना अभी भी जल्दी है। शिट यार, गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं थी, बैंड बजवा दी भाई गाड़ी की। गाड़ी चलानी आती नहीं लोग भागो को, भाई गाड़ी चलाएंगे पता नहीं कौन पकड़ा देता है लोग गाड़ी हाथ में। गाड़ी देनी नहीं चाहिए भाई, बच्चे चला रहे होंगे गाड़ी। देख 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 देख, मैं मेरे को कोई नहीं बोले भाई। अरे चलो भाई चलो, कोई बात नहीं भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, क्या ही बोले। अब इसका इंश्योरेंस भी तो नहीं, वरना इंश्योरेंस क्लेम करवा देते इसका। अब इतनी सारी गाड़ियां लेता हूँ, इतनी सारी गाड़ियों को कहाँ इंश्योरेंस लेने जाऊँ मैं। इस गाड़ी को उतारो भाई, ले साफ कर चल गाड़ी। ठीक है, एक और गाड़ी लेके आ रहा हूँ जब तक नेबरहुड में जाके, ठीक है उसको भी साफ करा देना। ओके, वो गाड़ी मैंने कहाँ खरीदी थी, एक सेकंड। भाई सारी गाड़ियां साफ कर रखी है मैंने, और करूं भी क्यों नहीं भाई, 70,000 रुपए लेके आया था, 70,000 रुपए। हाँ है वो गाड़ी, ओके व्हाइट वाली, वो वाली है क्या या फिर उधर की साइड? मुझे क्यों लग रहा है वो वाली कार खरीदी। हाँ ये वाली कार नहीं खरीदी हुई, वो सामने जो रखी कार वो मैंने खरीदी हुई है। लेट्स गो, इस कार को लेके चलते घर पे, और बाकी फिर ये 2,000 रुपए बचे इनमें सारी भाई सर्विसिंग में निकल जाएगी। ठीक है, सबको सर्विस भी तो करानी पड़ी गाड़ियों को। लेट्स गो भाई, चल गाड़ी चला। और अब की बार आगे से नहीं जा रहा हूँ मैं, इधर से जा रहा हूँ। घटिया लोग हैं ये। अच्छा यहीं तो टकराई थी शायद कार अपनी। कुछ भी करता है भाई, अपने आप से जादू मंत्र हो रहे हैं तेरे को। जादू मंत्र सोना सोना बाबू मत करो रोना रोना। छोड़ो गाइस, अपन अपनी कार लेके आ चुके हैं कार वॉश पे। अभी कार वॉश आया नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। रुक जाओ, कार वॉश यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा। ऐसे चलो, ऐसे चल के ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे 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 ऐसे। और ये आ गया अपना कार वॉश, इसके अंदर रखवाओ इस गाड़ी को। रोक दे गाड़ी, रोक दे। भाई रुकी नहीं, बहुत गंदी तरीके से ब्रेक दबाए थे, मैं नहीं जानता क्या दिक्कत हुई क्या नहीं। कोई बात नहीं गाइस, उसको सही तो वैसे भी करानी है, वो गाड़ी ठोक। और गाइस ये भी ठोक दी गाइस, ये गाड़ी ठोकी हुई नहीं थी, मेरे को लगा ये भी गाड़ी ठोकी हुई थी, सही तो करानी थी, इसलिए मैं ज्यादा दुख नहीं बना रहा था, अब दुख मनाऊंगा। क्या ही बताऊं भाई, क्या ही बताऊं। चल भाई वॉश कर, वॉश कर गाड़ी, वॉश कर। इस कार को मैं लेके चलता हूं फटाफट से सही कराने। सारी गाड़ी ठोक ठोका के बराबर कर दी भाई मैंने, सारी नई नवेली गाड़ी मिली थी विदाउट डैमेज, सारी डैमेज करवा दी मैंने गाड़ियों को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना भी नहीं है कि वापस ठोक दूं। ओके ठीक है, उतारो भाई गाड़ी से उतारो। रुक जा भाई, ये बता कितने रुपए लेगा इस गाड़ी के? 500। भाई भाई यार मत करो ऐसा, मत करो। तू कितने ले रहा है इसके? 240। अरे भैया सब कुछ टूटा पड़ा है इनमें, ट्रंक और फ्रंट लेफ्ट डोर टूटा हुआ है, इसके अंदर तो भाई सभी टूटा हुआ है। ठीक है चलो, एक गाड़ी को यहाँ रखवाते हैं, और अगर कोई गाड़ी, ओके एक कार वॉश पे एक और रखी हुई है गाड़ी जो कि सही होनी है। और भाई ये तो मैं भूल ही गया था, अगर ये गाड़ी बिक जाए ना तो अपना सारा का सारा पैसा वापस आ जाएगा। एक सेकंड, ओके कितने में ले रहा भाई? 50,000 की। हाँ 50,000 में ले जा, 42 भग जाए यहाँ से। ओके तू बता, तू बता, तू बता फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ भाई। 47 लेट्स गो, तू बता। 48 लेट्स गो, मिल गया भाई 41। अरे नहीं गाइस 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 गाइस, ये दे रहा है उससे ज्यादा, ये दे रहा था मतलब उससे कम दे रहा था ये, लेकिन ठीक है इसको मैं बोलता हूँ 49,000 में ले जा। लेट्स गो, 1,000 कम में निकल गई मेरी गाड़ी, एंड 50,000 मेरे पास वापस आ चुके हैं भाई। हो गया सारा पैसा रिकवर, हो गया सारा का सारा पैसा रिकवर हो गया। इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है जिससे कि वहाँ पे एक और गाड़ी आ सके, तो करा के बाकी मैं टॉस स्लॉट्स और खोल रहा हूँ इसमें। चलो अपग्रेडेशन में चलो, एंड लेट्स गो। 7,000 का एक और स्लॉट है, इसको खोलते हैं, एंड 15,000 का एक और स्लॉट है, इसको भी मैंने खोल दिया है। अब अपन डायरेक्ट तीन तीन गाड़ियां टो करा सकते हैं डायरेक्ट अपने घर पे। बाकी अपनी डेकोरेशन का ऑप्शन है, ओके अपन मिरर लगवा सकते हैं, लेकिन भाई बहुत महंगा है, अभी नहीं लगवा रहे, अभी नहीं लगवा रहे। ठीक है ऑफिस करते हैं क्लोज, और चलते हैं अपने घर पे अब डायरेक्ट बस से, क्योंकि मैं अभी ले जाना नहीं चाह रहा अपनी धन्नो को, धन्नो चलाऊंगा भाई फिर वहां तक जाऊंगा। इससे अच्छा अभी मेरे को बहुत काम है आज के दिन, फटाफट से बस से चलते हैं और सो जाते हैं। आज का टोटल रिजल्ट है 11,000 प्लस में, बाकी भाई ऊपर देखो अर्निंग स्पेंडिंग कितनी चल रही भाई, जितनी अर्निंग स्पेंडिंग चले ना भाई उतना बढ़िया भाई। बस हाँ अर्निंग ज्यादा हो स्पेंड कम हो तब मजा है, लेकिन ठीक है अभी के लिए ठीक है। कई सारी कार है उन सबको अपन लेते हैं और यहाँ से हटवाते हैं। रुक जाओ ये दोनों कार तो सही हो ही गई है, बाकी इनको वॉश करवाना है। ठीक है भाई ठीक है चलो, इसको हटवाओ यहाँ से, इसको भी हटवाओ, और इसको अभी लगवा देते अपन रिपेयर पे, और भाई कर दे इसको रिपेयर। 39 रुपीज मेरे माते वाले हैं ये, क्योंकि इसको मैंने ठोकी थी गाड़ी को। बाकी अपनी दो कार आ चुकी है, लेट्स गो। ये दोनों रखी कार बीच में रखी है दोनों, भाई इनको साफ करवा के लाते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। और भाई क्या चल रही है यार चीज है भाई, ये शायद मैंने चला के नहीं देखी थी, मेरे को अच्छे से याद है ये मैंने नहीं चला के देखी।
भाई फिर टोक दी भाई, अभी सही करा के लाया था यार गाड़ी, अभी सही करा के लाया था भाई गाड़ी। क्या करता हूँ यार, क्या करता हूँ भाई मैं। कोई बात नहीं भाई, इसको आगे करते हैं थोड़ी सी गाड़ी को, ठीक है इस गाड़ी से उतरो और इस गाड़ी को क्यों ना मैं डायरेक्ट वही करा दूं। जा भाई यार, कार वॉश के यहाँ पे छोड़ने वाला कोई बंदा नहीं है अपने पास, वरना कोई कार वॉश पे भी छोड़ देना अपने आप, तो अपने को बार बार यहाँ तक आना नहीं पड़े। चल भाई इसको साफ कर, इसको वापस रिपेयर करवानी पड़ेगी मेरे को। कोई बात नहीं, गंदी बहुत है, व्हाइट हो जाएगी शायद ये, या तो नहीं यार व्हाइट ही होनी चाहिए क्योंकि ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ये शायद लोग थूक के गए हुए हैं। राम 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 भाई, साफ कर जल्दी जल्दी साफ कर इसको फटाफट फटाफट। ऑफिस भी क्लोज पड़ा है मेरा, ऑफिस भी जाके मेरे को खुलवाना है, बाकी ये सारी कार सेल पे लगानी है एंड लेट्स गो। कार एकदम व्हाइट हो गई है और ये कितना डैमेज है ये और देखना मेरे को, रुक जाओ। बाकी डैमेज कार तो नहीं बेचने वाला यार मैं, ठीक है थोड़ी बहुत गंदी कार में बेच देता हूँ इट्स ओके, बट डैमेज नहीं बेचने वाला। तो इसको रिपेयर तो कराऊंगा और इसको बेचूंगा और ऐसी कार खुद के लिए लेके आनी है, ये बहुत सही चल रही है। चलते हैं फटाफट से एक बार इस गाड़ी को अंदर रखवाते हैं और इससे पूछते हैं भाई कितने रुपए ले रहा है। ज्यादा नहीं लेगा, ज्यादा ठुकी भी नहीं थी यार, $27। चलो ठीक है, इसको अपन टो करवा देते हैं और ये सही कर जब तक, एंड ये इतनी जल्दी सही हो भी गई है मेरे को पता था, ज्यादा कुछ खराब हुआ नहीं इस गाड़ी में। फटाफट से कार के अंदर बैठो एंड लेट्स गो, यहाँ से निकलो भाई, उल्टे ही जाने वाला हूँ और इस गाड़ी को डायरेक्ट। ओए अबे क्या कर रहा हूँ भाई, कट कर दो भाई, कट कर, उल्टा लेके जा रहा हूँ, ठोक के ला रहा हूँ फिर सीधा ले आ रहा हूँ। चल 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 41 भाई, बैक टूटने से ज्यादा रुपए लग गए इसमें यार, भाई फालतू का रुपए खर्च कर रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, जल्दी जल्दी करने दो। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ठुक रहा हूँ मैं, रुक जाओ, आराम से लेके चलेंगे आराम। चलो भाई इस बार उल्टा लेके गया था, उल्टा नहीं लेके जाने वाला हूँ मैं, अभी यही ठोक देगा। चलो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं भाई, अब हट जाओ सामने से हट जाओ। ओके ओके, ज्यादा स्पीड है, थोड़ी ज्यादा स्पीड है, मेरे से संभल नहीं रही है। अंदर ले 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 अंदर ले, बहुत बढ़िया, चलने दे 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 चलने दे, और ठीक है ठीक है लेट्स गो। इसको लगवाते अपन सेल पे, और शायद बाकी तो सेल पे लग भी नहीं सकती यहाँ क्योंकि ऑफिस के अंदर है ही नहीं। इस पे मैंने टोटल खर्चा 627 का कराया और 23,000 की गाड़ी थी, तो ये आराम से वापस 50,000 में बिकेगी। हाँ थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता रहता है, ठीक है। इस गाड़ी को मैंने लगवा दिया है, इस गाड़ी में क्या खराबी है भाई? ओके थोड़ी बहुत डर्टी है, चलेगा इतना डर्टीनेस। इसमें बैठो और इसको लो पीछे, इस गाड़ी को लगवाओ इसके अंदर। चल भाई चल 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 अंदर लग जा, इस गाड़ी को भी यहाँ लगवाने वाला हूँ मैं एंड लेट्स गो। भाई मैंने ऑफिस तो ओपन कर ही नहीं रखा, ऑफिस ओपन करो और इस गाड़ी को अब लगवाओ सेल पे, ठीक है। अभी अपनी दूसरी गाड़ी है जो कि आ रखी है 6,800 की, इस पे 89 का खर्चा, ज्यादा खर्चा है नहीं, तो इसको अपन 17,000 में निकाल देते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं थोड़ा बहुत कचरा वगैरह साफ कर देते हैं, और एक मैम आ चुकी है 50,000 की गाड़ी लेने, दादी अम्मा है, रॉयल दादी अम्मा होगी शायद, ले जाएगी गाड़ी, ठीक है। उससे पहले थोड़ा बहुत कचरा है वो मैंने साफ कर दिया है। चलो ए, दादी अम्मा बताइए 50,000 गाड़ी है, 50 में ले जाओ, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो 35 की गाड़ी है, 35 की गाड़ी है मैम, ये बताओ 48 से 1 रुपए कम नहीं लगाऊंगा, आपको लास्ट प्राइस बता रहा हूँ, मेरे को पता है आप नहीं लोगे, बस तो जाओ। चलो चलो थोड़ो, बड़े बुजुर्ग लोगों से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन भाई 35 कोई बात है, बाकी इतनी सारी गाड़ी किसकी है, मेरी तो नहीं है। ओके 2% डैमेज है, इसको क्या ही सही कराना है यार, सही कराऊं क्या, लेकिन ठीक है, कस्टमर को फालतू में ऑटो रिपेयर शॉप पे नहीं जाना पड़े इसलिए मैं ही रिपेयर इसको करा के देने वाला हूं। और बाकी भाई वहां से भी तो करवा सकता था, लेकिन अब यहां तक आ ही गया हूं तो क्यों खर्चा करूं। ले भाई इसको सही कर दे फटाफट, ठीक है। चल 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 जल्दी 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 लेट्स गो, अपनी कार सही हो गई भाई, बैठा दे ऊपर ही बैठा दे, अरे जल्दी जल्दी करते। चलो बैठ गए इस कार में अपन, फटाफट इसको बैक लो और अपनी शोरूम में रखो भाई। अब मैं शोरूम बोला हूँ पहली बार, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शोरूम बोलना है, अब मैं ओके भाई कस्टमर आगे रखें, हट जाओ इस कार को और मैं थोड़ा सा अंदर रखवा देता हूँ, ठीक है। ओके लेट्स गो भाई, इतने सारे कस्टमर, दादी अम्मा दोनों, ओके ठीक है दादी अम्मा गई। चलो भाई 50,000 की कार है, 51 में ले जाओ, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके भाई भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डैमेज वैमेज है क्या, 33, अरे क्या दिक्कत आ गई ये तो बताओ मेरे को, कार में कोई दिक्कत है क्या, अभी मुझे अंदर तो जाने दो, मैंने कार ही लगा दी, बताओ गेट पे कार लगा रखी है मैंने। 17,000 की इसकी मैंने प्राइस बता रखी है, 7,000 में लेके, ये 10,000 बता रही है, इससे बार्गेन करते हैं, 15 में अगर ले जाए तो ले जा, शायद ही ज्यादा की है नहीं वैसे, 12,000 तो ही खुद ही बता रही है, तो 13,000 ठीक है लास्ट प्राइस। चल नहीं नहीं है, 10,000 में है ही नहीं गाड़ी। ओ भाई कस्टमर से है, क्या बात है भाई, 8,000 9,000 भाई वो दादी अम्मा ही दे रही है 10,000, इसके और कोई दे नहीं रहा, 9,000 दादी अम्मा एक काम करो, डील जल्दी ले जाओ, रुक जाओ, भगना मत प्लीज भगना मत, बार्गेन ऑप्शन आने में भी तो आधा घंटा लग, मेरे को लग ही रहा था भाई, मेरे को लग ही रहा था भग जाएगी दादी अम्मा यार, कोई बात है भाई, इसके तो प्राइस ही नहीं लगाने आ रहा कोई ढंग की, बाकी इसकी प्राइस इसने सही लगाई थी, शायद 9,000 लगाई थी, है ना। इसको अगर मैं बोलूं 12 की, जो कि मैं दादी अम्मा को बोलने वाला था एंटन टाइम पे, नहीं ले रहे यार कोई, ले ले ब्रो कांग्रेचुलेशंस, ओके डन, एक कार बिक चुकी है भाई, तू भी चला जा, हाँ ठीक है, तुम बहुत सस्ता ले रहे थे इस कार को, ठीक है, इतनी सस्ती कार वो है नहीं, इस कार को लगाते हैं अंदर, ठीक है, और चलते हैं इस कार को भी सेल पे लगाने एंड लेट्स गो। ये रही वो कार अपनी, 2,000 की कार है, इसको
तो मैं ज्यादा मैं क्या ही लगाऊं, 5000 लगा देता हूँ, इतने भी नहीं देंगे लोग यार। ठीक है लेकिन लगाता तो ज्यादा ही हूँ, 7000। लेट्स गो, दो गाड़ी लगी हुई है अपनी। अभी एक बार ये देख लेता हूँ इस कार की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। ओके, डैमेज बिल्कुल नहीं है, डर्ट ही है बहुत ज्यादा, तो इसको बस साफ करा के आनी है। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से कार वॉश वाले के यहाँ। और बस अब अगले पॉइंट में मैं डायरेक्ट खोलने वाला हूँ अपना स्पॉन्ज, और मेरे को कुछ नहीं खोलना, स्पॉन्ज ही खोलूंगा भाई। मैंने देख लिया स्पॉन्ज का फायदा है। लो गई 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 भाई, बातें करने में ना मैं बड़ी ठोक रहा हूँ यार गाड़ी। बता, कोई बात नहीं गाइस, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बड़ी महंगी पड़ रही है मेरे को, क्या ही बताऊं। गाड़ी वॉश करा लिए गाइस, इसको लेके चलते फटाफट से घर पे, और ये महंगी पड़ गई वापिस से। लेकिन हाँ ठीक है, 20-1 रुपए ज्यादा पड़ेंगे, भेज दूंगा। ज्यादा महंगी गाड़ी में लेके आया भी नहीं था, छोटी छोटी गाड़ियों इससे खेल क्यों कर रहा हूँ भाई। अब मैं यूँ सोच रहा हूँ कि वो जो बड़ी वाली कार है ना उसको बेच के अपन चलते कार मार्केट में यार, लेकिन वो ज्यादा में जा नहीं रही, 33000 में जा रही है। देखते हैं, चलो आज के दिन देखते हैं उस कार को बेचने का ट्राई करते हैं। गाड़ी से उतरो, इसको भाई तू सही कर दे, 31 रुपीज लग गए इसके अंदर, डॉलर 31 डॉलर है भाई वो डॉलर। ठीक है चलो, ये सही हो गई है, लेट्स गो। अगर मैं यही खड़ा रहूं तो ओए 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 गिर जाता अभी तो मैं, दस जाता कार में। भाई तुम लोगों का देख रहे हो, फालतू का धंधा करवा देता हूं मैं, खुद ही ठोक ठोक के ले आता हूं भाई गाड़ी। कहां चली सवारी? ओके, इसको गाड़ी को पार्क करते हैं थोड़ा सा और अंदर, जिससे कि मैं घुस सकूं बस। ठीक है चल, इस गाड़ी को लगवा के आता हूं मैं सेल पे, एंड लेट्स गो। ये गाड़ी है 6000 की पड़ी है, तो इसको 12000 में डबल में बेच देते हैं। लेंगे तो ले लेंगे, वरना सस्ता कर देंगे इसको। आप बताइए सर, आपको मैं बेच देता हूं, एक सेकंड रुकिए। आप है ना, इसकी बताऊं मैं क्या कह रहा हूं, 50 की लगा रखी ना, आप इसको 35 में ले जाओ। ओके लेट्स गो गाइस, कार अपनी बिक चुकी है और अब बारी है कार मार्केट जाने की। बट यार कार मार्केट अभी खुला ही नहीं होगा, और अब रात भी हो गई, अब तो कुछ भी नहीं खुला हुआ होगा। ठीक है भाई, 73000 रुपीज आ गए अपने पास, फटाफट चलते हैं एक बार घर पे। धनो यही रखी मेरी, धनो रखे रहने दो, अभी सो के आते हैं। अगले दिन ये दोनों कार भी बिक जाए तो बढ़िया बात है, 1 लाख का अमाउंट अपन टच कर जाएंगे शायद, तो 1 लाख का अमाउंट ले जाने में कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आज के दिन अपन ने गाड़ी बेची बेची है शायद, अपन ने खरीदी नहीं, तो अपना स्पेंट आ नहीं रहा है। बाकी गाइस आज ऑशन लगने वाला है, गाइस क्या कहते हो, ऑशन में से गाड़ी ला के बेचनी चाहिए? यार मेरे को थोड़ा महंगा मामला लग रहा है ऑशन में, यार लोग प्राइस बढ़ाते रहते हैं यार, अगर महंगी गाड़ी हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। बाकी 1 बजे खुलने वाला है और अभी बज रहे हैं 7, तो अभी टाइम है, जब तक अपन अपना कचरा वचरा हटा देते हैं शॉप पे से। और कस्टमर्स भी आ गए हैं, चलो बहुत बढ़िया। किस कार को लेना है, कहां जाना है, कहां? अच्छा ये वाली कार लेने आई है मैडम। पता है मैम कितने की ले रही है? शायद 3300 की ले रही है भाई, रुकना एक सेकंड रुकना। छोटी कारों में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है गाइस, छोटी कार अब से मैं लाना बंद करूंगा। बाकी ये वाली कार खरीदने आई है, ये मैंने 2070 रुपए में ले रखी है कार। ठीक है 4000 में बिक जाए तो बुरी नहीं है, लेट्स सी, बार्गेन करके देखते हैं। 4000, नहीं भाई इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, रुक जा। और कोई कस्टमर आया है क्या? चल ठीक है, सुबह सुबह बोनी करा लेता हूं मैं तेरे से, बोनी कर लेता हूं। एक काम कर, तू मुझको फोन कर, 3800 जो है इतने में ले जा, 500 रुपए बढ़ाए देखो। आई नीड टू थिंक कर ले, फिर डबल ट्रिपल चेक कर लिया भाई, चलो हो गया काम। अभी गाइस सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी, ओके इस गाड़ी को खरीदने के लिए कोई आया हुआ है भाई। आज के दिन मैं सोच रहा हूं नेबर रोड नहीं जाके ना कार ऑप्शन जाते हैं, काम बन जाएगा। 8000 की लेना चाह रहा है, बार्गेन करते हैं, 10000 में ले जा, क्योंकि शायद 7000 में मैं लाया हूं भाई। ओके लेट, एक और कस्टमर आया था उस गाड़ी के लिए, चलो कोई बात नहीं। गाइस मैं क्या कह रहा हूं, अभी अपन जाके आते हैं कार मार्केट और ट्राई करते हैं, क्या पता वहां पे गाड़ी आ रखी हो। कार मार्केट में चलते हैं, क्या पता कार मार्केट नहीं लगा हुआ यार। चलो गाइस फिर एक बार अपन नेबर रोड घूम के आते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन लगने वाला 1 बजे, अभी 9 बजे, तो देखते हैं। ये गाड़ी नहीं यार, कुछ क्लासी गाड़ी, लेकिन यार फिर ऑप्शन के लिए पैसा नहीं बचेगा। ये है एक तो अच्छी गाड़ी, डैमेज 11%, ये 28 में दे रही है, बार्गेन करके देखते हैं। 20000 में अगर दे दे तो मैं ले जाऊंगा, मेरे को पता नहीं देगी क्योंकि मेरे को पैसा खर्च करना ही नहीं है भाई, कुछ अच्छा है ही नहीं। ओके 21000 लास्ट, चलो हट जा, नहीं चाहिए, हां ठीक है हट जा। 87000 रुपीज बचा रखे यार, मुझे लगता है इतने में काम बन जाना चाहिए मेरा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक ये वैन रखी हुई है यहाँ पे, और एक ये गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी अच्छी नहीं है यार। अब मेरे को लग रहा है ऑशन ही मेरे को खुश कर पाएगा, ऑशन में जाके देखना पड़ेगा कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सस्ती में दे दे तो मैं ले जाऊँ। क्लासिकल गाड़ी है, 2600 की दे रहा है, बार्गेन करते हैं 2000 में दे दे तो, नॉट सेटिस्फाइंग मी। ले भाई चल एक काम कर, 2200 ले ले, ठीक है हो जाएगा इतना, कांग्रेचुलेशन, मुझे पता था हो जाएगा, पता होता है मेरे को सब पता होता। चलो गाइस कार को टो कराते हैं। बाकी ये डैमेज है क्या? अच्छा वो डैमेज है ही नहीं, मैंने ये देखा ही नहीं था डैमेज है कि नहीं है, तो डायरेक्ट अपने शॉप पे रखवा देते हैं। ठीक है 2-2, 3-3 हजार की गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन यार 2-2, 3-3 हजार भी काम आ सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि क्या पता किसी बंदे ने ज्यादा अपने से 1-2 हजार रुपए ज्यादा लगा दिए, तो अगर उनसे गाड़ी लेनी होगी तो अपने को यही करना पड़ेगा भाई, उनसे और पैसा बढ़ाओ। ठीक है भाई देखते हैं, एक सेकंड रुको, उधर की साइड चलते हैं उस वाली कॉलोनी में और देख के आ जाते हैं, जब तक शायद 1 बज भी जाएंगे जिससे कि अपन ऑप्शन में जा सके भाई, वहां से एक मस्त गाड़ी लेके आनी है। अगर 80 की भी मिलेगी ना तो पूरी 80 की ले आऊंगा, क्योंकि शायद वहां पे ना तो डर्टी मिलेगी ना कंडीशन भी एकदम फर्स्ट क्लास मिलनी चाहिए। चलो भाई ये गाड़ी कितने की दे रहा भाई तू? 1700 है। गाइस गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, बहुत सस्ती सस्ती इस गाड़ी दे रहे हैं, ये बिकेगी और नहीं है, बहुत सस्ती बिकेगी अलग ही। ठीक है भाई ले, तू एक काम कर, इसको 1200 में दे दे, चल 500 रुपए ऑफ कर दे भाई, 1000-1000 रुपए की गाड़ी लेके जा रहा हूं मैं, एक्सपेक्टिंग हायर, इतना हायर।
ये ले, अभी भी एक्सपेक्टिंग हायर, थिंक कंटिन्यू लाइक दिस, आई वॉन्ट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, क्या करेगा उचकेगा साढ़े उचक लियो अपनी जगह पे, ले लास्ट 1400 नहीं अबे, अच्छा 1700 का दे रहा ना ये, ठीक ले चल चल चल, इट्स ओके बॉडी ले, इट्स ऑल राइट, चल ठीक बग जा यहां से। और गाइस एक बजने वाला है, लेट्स गो, कहां अरे वो कहां है, कहां से जाते हैं भाई, शिट 1 बजे से ऑशन स्टार्ट हो गया है भाई, तू गाड़ी दे, अरे हटना भाई, खरीदने देना भाई, अरे शिट गाइस 1 बज गया और मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे मेरे को 1 मिनट लग जाएगा जाने में और मेरा ऑशन खत्म हो जाएगा। वाओ, यहां टाइम पास कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं भाई मैं, क्या कैसे कर लेता हूं इतना सब कुछ, देखो इतनी दूर है वो डब्बा, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 और अभी शायद खत्म होने वाला है, अपने ऑफिस के बगल में लगता है शायद मिल जाएगा ऑप्शन, वो लगा हुआ, पैदल नहीं जा रहा, जल्दी चल, जल्दी, गाड़ी मुड़ी हुई है, बैठ, अरे बैठ जाना यार गाड़ी में, भाग भाग भाग, पिकअप तेरा तेज है, इसलिए तो इसी दिन के लिए तो तू लेके रखी मैंने तेरे, ओके भाड़ में जा भाई, मैं उतर गया, चलती गाड़ी में से उतर गया, बाकी टिकट ले लूं क्या, ठीक है मैंने ले ली, ओके कैसे लगाते हैं बिट, कैसे लगाते हैं, स्टार्टिंग बिट 23, करंट बिट इतनी, लेट्स गो, मैंने एक कार खरीद दी है, बाकी अभी दूसरी कार आई है शायद, इस ये मैं नहीं खरीद पाऊंगा, लेट्स सी, इसकी बीडिंग स्टार्ट हो गई है, चलने दो, देखते हैं कितनी, 23 पहुंची है, चलने दो, ओके, नहीं, शायद आ जाएगी, अबे कोई ना कोई लगा ही दे रहा है यार, लेट्स गो, मैंने 2 कार खरीद ली है भाई, 9000 रुपए रह गए, ठीक है 2 कार तो खरीदी है, लेट्स गो गाइस, बगल में खड़ी हुई 2 कार, एक अपन ने होंडा सिटी जैसी गाड़ी निकाली है और एक कुछ तो BMW की है, फिर कोई सी तो कार चेक करते हैं, बस डर्टी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कार भी सिर्फ और सिर्फ डर्टी है, और भाई मेरी धन्नो को मैं यहां से यूं छोड़ता हो गया भाई, देखो बेचारी स्लिप होती हुई गई है, लेकिन ठीक है आज के दिन अपन ने टॉप 2 गाड़ी ले ली है, मेरे को लगा था मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, लेकिन बीच में एंट्री लेके सब कुछ बदल दिया मैंने, चलो एक एक गाड़ी को वॉश कराते हैं और चलते हैं फटाफट से, और भाई मेरे को एक और स्किल मिल गई है, क्यों ना उस स्किल का यूज किया जाए और अपना स्पॉन्ज ले लिया जाए, ठीक है इसको करते हैं अनलॉक, और अब मुझे ये देखने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और गाइस तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने रेड बार में जाके एक पेमेंट किया था 2-4 रुपए का, वो मेरे को एडिटिंग में पता पड़ गया था कि हाँ वहां पे पेमेंट हुआ है, उसकी ये बियर मिली है अपने को, भाई इसको वहीं जाके पियेंगे, अभी स्पॉन्ज लेते हैं और इसको साफ करके देखते हैं क्या अपन पूरी साफ कर पाएंगे, ठीक है पूरी है भाई उसका धंधा चौपट गाड़ी साफ करने वाले का, ओ एक सेकंड 25 है ना डर्टी, पूरी नहीं कर सकते क्या अपन स्पॉन्ज से साफ, ठीक है हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके साफ हो तो रहा है भाई, अगर ये 5 या 10% भी अगर गंदी रहे ना तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चेक करते हैं ये कितनी गंदी है, एंड लेट्स गो 0% डर्टी, भाई धंधा खा गया उस साफ करने वाले का, मैंने बोला था उसको मेरे बगल में लगा ले, मानते ही नहीं है, मैं करूं क्या भाई, ब्लैक गाड़ी लाए और लाइट भाई इसकी बैक लाइट जलती है, अभी तक किसी कार में नहीं जल रही थी भाई, मेरे को नहीं लग रहा था किसी भी कार में जल रही थी, इसमें जल रही है भाई, ये ऑप्शन से लेने का फायदा तो है भाई, इस गाड़ी को लगाते हैं, कितने मिली मैंने, मेरे को ये नहीं पता ये कितने मिली, 34,600 में ये गाड़ी ली है मैंने, तो लेट्स गो इसको मैं आराम से 60,000 की तो बेच पाऊंगा यार, डबल प्राइस में जाती नहीं कभी भी, तो डबल प्राइस से तो देखो कमी है, नहीं तो 68,000 होता डबल प्राइस इसका, 60,000 मैंने इसको लगा दिए, ऑफिस भी ओपन है, दूसरी कार लेके आता हूं, मेरी धन्नो भी लेके आता हूं, मेरी बेचारी धन्नो ऐसी भगती हुई गई है, चलो इसको एक काम करता हूं, अबे बैठ क्यों गया, बैठना नहीं है इसको, कराओ टो और उस वाली गाड़ी से चलते हैं अपनी धन्नो से अपने घर पे और उस गाड़ी को साफ करके वापस से लगाते हैं भाई, और धन्नो अब तू भी साफ हो सकेगी क्योंकि मैं स्पॉन्ज लेके आ गया हूं, अब तेरे ऊपर खर्चा करे बिना मैं तेरे को साफ कर दूंगा, बाकी हाँ ये देखो क्या मस्त साफ हो गई, चलो भाई इतनी साफ करनी है धन्नो को, एकदम 0% साफ करके कोई मतलब है नहीं, लेट्स गो धन्नो बैठा ले मेरे को और चल फटाफट, चल भाई चल 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 लेट्स गो माय धन्नो, ओ ये कोई कस्टमर आया क्या भाई, रोक यहीं रोक, पापा का राज है अपने यहीं लगा दे, लेकिन छोड़ो भाई ऐसा नहीं करते, इसको लगाते हैं यहाँ पे और इधर से उतरो, और बाकी एक कस्टमर आया है, रुकना बता प्राइस बता, 60,000 की 60,600 में ले जा, ओके आई नीड टू थिंक 44 भाई 44 नहीं यार ना बाबू ना 44 बहुत सस्ता, एक बार देखने दो, ये मैंने ली थी 34 की है ना 34,000 हाँ सही है, ये मेरे को कितने की बेचनी चाहिए 34 की ली है, लोग बाग इसके 45 दे रहे हैं यार, बार्गेन करते हैं 50,000 में ले जा, ऑशन की कार है यार ऐसा तो मत कर 50,000 हाँ ओके, ओ भाई ओए ज्यादा में बेचनी चाहिए थी, ज्यादा सस्ती बेच दी, चलो कोई बात नहीं, इस कार को अपन लगवाते हैं अपने ऑफिस में, पहले चला के देखते हैं यार, ऑफिस वाली कार है भाई ये रियल ऑफिस वाली कार है, आवाज क्यों कर रही है, अच्छी भाई नहीं है हट, आवाज कर रही है मतलब भाई वो चीज नहीं है, जो ऐसे ऑफिस टाइप की कार होती है ना एकदम शांति से चलती, वो ऑफिस वाली कार मस्त लगती है, बाकी फिर तो जीप वगैरह हो तो बात है, इतनी पतली कार इतनी आवाज कर रही है भाई, हद हो गई, ए भाई इसकी भी सारी पार्किंग लाइट्स वगैरह जल रही है, देखो ये देखो भाई सही है यार, इसको साफ सुबह ही आके कराएंगे, बाकी गाइस मैंने एक इन्वेंट्री खोली है बी की से, लेकिन ये इन्वेंट्री में मेरे पास क्या रखा हुआ है, ये कहां से आया है मेरे पास आइटम, शॉक एब्जॉर्बर पता नहीं गाइस, ये धंधा करने से पहले मैं शायद कोई धंधा करता हूं, उस चीज का आइटम मेरे पास बचा रहेगा इन्वेंट्री में,
छोड़ो, ऑफिस करो क्लोज, अभी इस वाली गाड़ी को भी मैं अंदर रखवा ही देता हूँ। और ये गंदी थोड़ी है, एक सेकंड रुको, गंदी तो है, डैमेज थोड़ी है, ठीक है डैमेज नहीं है, साफ तो मैं कर ही दूंगा। चल भाई ये भी मेरी धन्नो की तरह है, लेकिन हाँ इसका पिकअप उतना तेज नहीं है शायद, देखने दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। धन्नो से कंपेयर नहीं कर सकते भाई, धन्नो से कंपेयर नहीं कर सकते। चलो भाई अभी अपन चलते हैं फटाफट से अपने घर पे, सो के आते हैं, अगले दिन इन दोनों कार को बेचते हैं और अपना 1,00,000 का अमाउंट टच करते हैं। लेट्स गो, मैं आ गया हूं अपने कंटेनर पे। और आज के दिन का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा देखते हैं। भाई लॉस में शो कर रहा है, इतना पैसा स्पेंड कर दिया मैंने, देख रहे हो तुम, इतना कमाने के बाद भी मेरे को लॉस शो कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बहुत पैसा रखा हुआ है अभी अपनी शॉप पे कार के रूप में। चलते हैं अपने ऑफिस पे और थोड़ी बहुत अपनी कार वॉश कर लेते हैं। चलो भाई इस वाली कार को वॉश करो पहले, क्योंकि ये मेरे को लगवानी है सेल। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम मस्त कार वॉश हो रही है, पीछे से एकदम सही हो गई है। हाँ यहाँ से बहुत गंदा है भाई, अभी स्पॉन्ज को धो भी लिया कर कभी साले, बाल्टी वाल्टी लेके आनी पड़ेगी। रुक जाओ यार, मेरा धंधा है मैं कैसे भी करूँ, मर्जी मेरी। ठीक है भाई ठीक है, चलो अभी थोड़ा बहुत और अगर वॉश होती है तो ठीक है, अभी देखते हैं। 0% डर्टी बिल्कुल, इसको लगवाते हैं अपन सेल पे। सेल पे नहीं लगवाई मैंने अभी तक। हाँ ये क्लासिक वाली है तो सस्ती वाली है, इसको लगवा देते हैं अपन 6,000 पे। ठीक है मेनली ये सेल पे लगवानी है ये। ओ भाई ये उससे महंगी कार आई है, ये 40 की है, 80 पे लगा रहा हूं मैं, बस लगा रहा हूं 80 पे, मुझे पता है इतने की नहीं बिकेगी। चलो इसको और मैं साफ कर देता हूं जिससे कि ये भी अच्छी प्राइस में बिक जाए। 6,000 में लगाइए तो कम से कम 5,000 में तो बिक जाए, बाकी अपने को पॉइंट्स भी मिलते हैं क्लीन करने पे। आगे का बंपर और बचा हुआ है, बंपर क्लीन करने दो। एंड डन, थोड़ी और गंदी है क्या? ओके शायद मैंने पूरी कार साफ कर दी। ओके पीछे से थोड़ी बहुत और गंदी है, ये भी मैंने साफ कर दी है। अभी देखते हैं ये कार कितनी डर्टी और कितनी नहीं, ये भी सेल पे लगा दी इसलिए मेरे को दिख नहीं रही है। रुक जाओ ये 6,000 वाली कार कितनी डर्टी, ओके 0% डर्टी। लेट्स गो गाइस, देख रहे हो मैं पूरा धंधा खा गया भाई, अब उस साफ कराने वाले के पास जाऊंगा ही नहीं। लेकिन ठीक है जब मेरे पास बहुत सारी कार हो जाएगी ना, कि भाई अब तो बैठ ही नहीं रही, जब यहां से लेके उस कार वॉश तक वाले तक लाइन लग जाएगी ना, उस दिन जाऊंगा मैं। चलो अभी क्लोज किसने कर रखा है, इसको ओपन करो। अबे तभी मैं सोचूं कस्टमर नहीं आ रहे यार, कस्टमर आएंगे अब आएंगे कस्टमर। लेट्स गो, और अपने यहां पे कस्टमर आ गए दो दो और तीन तीन, एक इस पे एक इस पे। चलो भाई ये बता भाई, 40,000 की गाड़ी 80,000 में बेच रहा हूँ, सॉरी 40 वाला कार हटा दो, मैं बता थोड़ी बता दी भाई, देख लो मैंने बता दी इसको 40,000 की गाड़ी है तो 40-47 दे रहा है मैक्स टू मैक्स, 7,000 तो अपने बच्चों को खिला लेना। थोड़े बहुत पैसा कमाता हूँ, छोटा मोटा समझ लिया है क्या, 2,800 की? अबे पागल हो क्या तुम, इतनी सस्ती सस्ती गाड़ी ले जाना चाहते हैं, जैसे तो फ्री में ले जाओ तुम गाड़ी। 3,600 बता रहा है, रुक जाने की ये गाड़ी कितनी की लाया, कितनी की था? 2,200 की लाया था तभी बता रहा, 3,300-4,500 रुक जा, कितने बता रहा तू, 3,800 बार्गेन करते हैं इससे, 4,500 ऑफर करते हैं। चलो ले जाएगा शायद इतने में, यू मेड अ रियली गुड चॉइस। ठीक है चल भाई अभी तू बता कितने में ले रहा है ये गाड़ी। 35, वाओ वाह भाई वाह भाई, 40,000 की गाड़ी लाया, सड़ते यहाँ से ना दफा हो ले, ये ले रहा था आदमी 47 में भाई, 40 की गाड़ी है बताओ 47 में लेके जा रहे हैं, कोई बात है बार्गेन करो, इसको बोलते अपन 60,000 में ले जा। ठीक है मैं बताऊँ क्या करना है, देख ऐसे चलता अपन साले, भग जा भग जा भग जा, वास कर रहा है। बाकी गाइस अपने पास 64,000 वापिस आ गए हैं, लेट्स गो आज मार्केट में जाके देखोगे, कार मार्केट ओपन है आज, लेट्स गो कार मार्केट से प्यारी सी गाड़ी उठा के लाते हैं। और मैं क्या चाह रहा हूँ, विंटेज कार लेके आए, क्योंकि वो देखा तुमने डबल प्राइस बिक गई थी, बाकी ओपन गाड़ी। हेलो मैम, मस्त सवारी करी होगी तुमने इस गाड़ी की, 33 में दे रही है भाई, 33 में दे रही है, मैं खुद रख लूंगा यार अगर ऐसी गाड़ी है दीन ने तो। बाकी ये गाड़ी भी अच्छी लग रही है, स्पोर्ट्स लैम्बोर्गिनी क्लच लैम्बो, 3,00,000 ऐसा क्या है गाड़ी में, चल बे। बाकी ये गाड़ी भी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा ना इधर से मॉडिफाइड सी है। हेलो मैम बताइए आप कितने की दे रहे हो, मैं डैमेज भी देखो आपकी गाड़ी, अबे यार 3,00,000 रुपए की गाड़ी दे रहे हैं लोग, ये तो गाड़ी अच्छी नहीं लग रही। बाकी गाइस ओपन वाली लेके जाने वाला हूँ, मेरी प्राइस रेंज में है ऑडी टीटी है, ऑडी टीटी। चलो बार्गेन करते हैं, इसको अपन बोलते हैं 28,000, ठीक है दे देना चाहिए, यू मेड अ रियली गुड चॉइस, लेट्स गो भाई। एक नई कार, हट जा बे। अच्छा अबे इनके ऊपर से निकल, अबे 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 नहीं, अरे मेरी धन्नो से भी गंदा ड्रिफ्ट मारती है भाई ये तो। ये चलो भाई चलो, अभी अपने को जाना है किधर की साइड, क्या मैं सही जा रहा हूँ? बाकी गाइस एक मस्त स्पोर्ट्स कार में लेके आ गया हूँ और डैमेज नहीं है, बिल्कुल डैमेज नहीं करनी इसको। अच्छा ठीक है, अपने कंटेनर से भी आगे था वो कार मार्केट, चलते हैं यहाँ से सीधा ही जाना है अपने ऑफिस वगैरह, सब आ जाएगा रस्ते में, साफ कराते हुए जाएंगे। गोल्ड कलर की है, ओ, 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 भाई गई गई कार, गई कार गई, मुझे नहीं लग रहा है मेरे घर तक पहुंचेगी सही सलामत, लेकिन शायद ये पहुंचने वाली है। नहीं 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 नहीं, गई 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 गई, ओ भाई बच गई, एंड टाइम पे बच गई भाई, लेकिन ठीक है ये पहुंच भी गई कार वॉश तक, बस इसके आगे कहीं ना ठुके भाई। धनो से ज्यादा ड्रिफ्ट मार रही है यार, कैसे संभालूंगा, बेचनी है भाई इसको, मेरे से चलेगी नहीं भाई ये, बिल्कुल नहीं चलेगी, महंगी भी काफी है, एक बार के लिए मैं सोचता इसको रखने की, बट भाई जितना ड्रिफ्ट मार रही है ना, मेरे बस की बात नहीं है। और ऐसी कुछ खा
खास स्पीड भी नहीं है, बट लुकिंग जो है ना नेक्स्ट लेवल है भाई। कार मार्केट से कार लेके आया हूँ। अबे तेरे पे 50 रुपए क्यों खर्च कर दिए मैंने? अरे गाइस मेरे पास स्पॉन्ज था गाइस, अरे स्पॉन्ज से गाड़ी साफ कर देता, लेकिन ठीक है बेटे भूल गया इस बार, ठीक है तेरा धंधा खा गया हूँ। ध्यान है 4-5 गाड़ी सही साफ कर ली मैंने खुद से। अरे मुच्छड़ भाग जा यहाँ से। अरे भाई गाड़ी दे हमारी, पानी वानी सहजनी। चलो भाई लेट्स गो, कहीं ठोकनी नहीं है, प्यार से लेके चलो गाड़ी एंड लेट्स गो। बस आ गया भाई ऑफिस बगल में ही, अब तो अब नहीं ठुकेगी, ठुकनी होती तो पहले ठुक जाती है, लेकिन ठुकने को यहाँ भी ठुक जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके 40,000 गाड़ी के लिए 3-3, 4-4 जनों ने लाइन लगा रखी है। इसको खड़ी करते हैं यहाँ पे और इनसे पूछ के आते हैं, भाई तुम क्या प्राइस दे रहे हो? हेलो मैम 50 50 50, हट जा, डोंट से 50 50 50 से ऊपर, फटाफट डोंट से, मुझे नहीं लगता कोई भी देगा। मैम हेलो 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 हेलो, बार्गेन मैम बार्गेन, 55 55 55, लेके जाओ। यू रियली मेड अ गुड चॉइस, 15,000 गाइस इस वाली कार से $15,000 अपने को मिल चुके हैं। बाकी ये गाड़ी अगर अब बिकेगी ना तो 1 लाख से ऊपर अपना अमाउंट जाने वाला है। लेट्स गो, अपनी धन्नो भी खड़ी है अभी तो, भाई धन्नो भी कहती होगी चलाता नहीं तो बेच ही दे, लेकिन ठीक है अपनी धन्नो अपनी है भाई, बेचेंगे नहीं इस धन्नो को। बाकी मैंने कोई गाड़ी तो नहीं लगवा रखी, मैं भूल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लगवा लो क्योंकि उधर, हाँ ठीक है नहीं लगवा रखी। चलते हैं फटाफट से नेबरहुड पे, धन्नो से नहीं जा रहा भाई क्योंकि धन्नो को ले जाता हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है यार, फिर कोई गाड़ी लेके आओ कोई गाड़ी टो कराओ, फिर मैं आधी टाइम तो धन्नो के टो करा के घर यहाँ पे छुड़वा देता हूँ। बाकी ये कार मैं नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, थोड़ी अच्छी कार रखो यहाँ पे, ठीक है समझ में आ गई तुमको ना? ओके नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, छोटी मोटी कार भाई। सामने कोई तो विंटेज कार वही वाली मिल गई है जिसको अपन ने 30,000 में बेचा था। अबे 72 डैमेज, 23 की दे रही है, 15 की दे ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, डैमेज ही तो है यार भाई, बहुत डैमेज है, समझा करो कोई बात को मैडम, थोड़ा समझो, इतने में नहीं बैठ पाता है। ट्राइंग टू पोक मी भाई, इनको पोक करते रहो, एक तो ले पोक कर लिया, 18 लास्ट है भाई, बहुत डैमेज है भाई। 1,000 तो वही लेने वाला है, आई ऑलरेडी सेट द प्राइस, चल हट जा भाई, नहीं यार दोबारा नहीं मिलने वाली गाइस अपने को गाड़ी, अगर कोई और गाड़ी अच्छी मिल जाती तो ठीक है, वरना यार उससे 23-20 में तो ले ही लेता। एंग्री कर दिया है मैंने मैडम को। बाकी एक सेकंड, ये कार यहाँ कैसे रखी है? हेलो अक्षकुजमी, ये कार किसकी भाई? आई डोंट नो गाइस, ये मैंने नहीं खरीदी क्योंकि मेरे को पता है मैंने खरीदी होती तो मैं एंटर का ऑप्शन तो आता भाई, पता नहीं कौन बीच में खड़ी कर गया है कार को, लेकिन ठीक है मेरे को क्या, ये कार दिख रही है मेरे को सामने अच्छी सी। और अबे रात हो गई भाई खरीदने से पहले, चलो अब मुझे पैदल, अरे इसलिए बोलते हैं भाई इस जगह पे धन्नो काम आती है, अब धन्नो होती ना मेरी मेरे को लेके जाती घर तक। लेकिन ठीक है अपन चलते हैं बस स्टैंड पे, बस अपनी 24 घंटे चलती है, बड़ा शहर है भाई, बड़ा बर्फ भी पड़ती है बड़े शहर। चलो भाई लेट्स गो टू कंटेनर, सोते हैं अगले दिन सुबह वापस यहीं आते हैं। या फिर एक सेकंड, अभी एक गाड़ी सेल पे लगा रखी है अपन ने, उसको भी तो बेचना है। ऑफिस ही चलेंगे, ऑफिस चलेंगे, देखते हैं, थोड़ा बहुत कचरा वचरा भी साफ करना पड़ता है वहां का, तो वो साफ करेंगे और फटाफट से अपनी कार सेल करेंगे, अगर जब तक कस्टमर आ जाता है तो। 1,00,000 रुपए का अमाउंट लेके कहीं तो मस्त जगह चलेंगे। बाकी आज वापस से ऑशन लगने वाला है, लेट्स गो भाई, काम बन जाएगा अगर आज भी ऑशन में मस्त गाड़ी आ गई ना, क्योंकि ऑशन में एक गाड़ी पे तो मैंने 15,000 कमाई है, दूसरी गाड़ी का मेरे को ध्यान नहीं कितने 1,000 रुपए कमाए। बाकी कचरा वगैरह मैंने साफ कर दिया है और मेरे को बिल्स में देख के आने दो यार, बिल्स पड़े हुए होंगे आधे तो, ठीक है अभी तक बिल्स आए नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी इस बार भर के बिल आने वाला है, कम से कम भी नहीं तो 10,000 का बिल आएगा, क्योंकि इस बार इतनी इंपोर्टेड गाड़ी बेची है ना मैंने, क्या ही बताऊं। बाकी कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? हेलो भाई आ ही नहीं रहे भाई, इन लोगों ने छीन छुना लिए क्या कस्टमर्स? भाई दो दो गाड़ी तीन तीन गाड़ी किसकी रिपेयर कर रहे हो तुम? अबे किससे धंधा मेरा भाई, भाई मेरे को अभी रिपेयर गाड़ी मिल रही है तो तुम यार किसी और का धंधा क्यों ले रहे हो? ऐसे मत करो यार, मैं आ जाऊंगा, ऐसे किसी काम मत करो, आ रहा हूं मैं। बाकी ऑफिस ओपन है, कोई बंदा नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो गई है? सेल वेल पे नहीं लगा रखी क्या ये गाड़ी? मैंने सेल पे लगाई है मैंने यार गाड़ी, खुद के हाथों से सेल पे लगाई है, रुक जाओ। अब वाओ ओडी लाके खड़ी कर दी, सेल पे तो लगाई नहीं है, 60,000 की बेचने वाला हूँ इस गाड़ी को मैं, लगे 60,000 की गाड़ी मैंने लगा दी गाइस। लेट्स सी कस्टमर, आओ भाई आओ, अब आ जाएंगे भाई। बाकी गाइस आज के दिन अपने पास 91,000 है, इनसे मैं ऑशन में जाने वाला हूँ, पक्का जाने वाला हूँ। ये रही अपनी धन्नो को रेडी रखते हैं, सामने की साइड लगाते हैं अपनी धन्नो को इधर, ठीक है बस यहीं से अपन सीधा भागते हुए जाएंगे वापस से भाई। लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, सेल पे लगी ना, अब तो सेल पे भी लग गई भाई, बिग सेल लिखी हुई, बिग कस्टमर्स को क्या हो गया कस्टमर्स भाई? यहाँ पे कार फॉर सेल मिटा के लिखूं क्या वापस से? क्या हो गया कस्टमर्स थोड़े से गुस्सा से क्यों लग रहे? बाकी गाइस क्यों ना एक काम करता हूं, मैं ऑफिस को क्लोज करता हूं और कुछ तो कस्टमाइजेशन करता हूं, अभी थोड़ा बहुत टाइम है कि मैं अपने ऑफिस को थोड़ा सा एडिट कर सकूं। बाकी देखो अभी ना मैं ये चीज अगर लगवाना चाहूं, ये कहां लगेगी? $500 $300 और ओ ऐसे पार्टीशन बनवा सकता हूं मैं, बट ये किस काम के है जरा कोई ये बताएगा मेरे को? छोड़ो गाइस, और ये अपना ऑफिस के ओ अबे ये क्या कर दिया मैंने गाइस? मैंने गुड गोबर कर दिया, अरे बाबा रे गाइस ये क्या हो गया? बाकी एक
बजने वाले भाई, ये क्या हो रहा है? एडिट माई ऑफिस के नाम पे सब कुछ एडिट वेडिट हो गया है। ये जहाँ लगा हुआ था इसको चुपचाप वहां लगा दे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। ये लगा हुआ था अंदर की साइड, अबे अंदर चल, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं अंदर। अच्छा ठीक है, एक काम कर, इसको अपन बिल्कुल सामने लगवा देते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। और इसको ना अभी के लिए कहीं नहीं, इसको हटाई दे। अबे तो इसका करूं क्या मैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। डस्टबिन भी बाहर आ गया भाई, इसको अभी यहाँ लगवाते हैं। पता नहीं किस काम के लिए मैंने इसको हटाया था, डस्टबिन उसी कोने में। और हट जाओ भाई, मैंने एडिट के नाम पे सब कुछ कचरा कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या करूं अब इसका। भाई फालतू में पैसे खर्च कर दूंगा, हट जा चलो जो भी है। एक अरे ओ बच गई, थोड़ी सी कार अंदर बाहर है लेकिन ठीक है। ये वॉल पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने, बाकी मेरा कंप्यूटर यहाँ शिफ्ट हो गया है वहां की जगह पे। चलो देखा जाएगा, 12:20 हो गए, मैं चल के बैठने वाला हूँ ओशन में, फटाफट चलते हैं। 27 हो गए भाई, बस खुलने वाला है ओशन। अबे 12 बजे स्टार्ट होने वाला था आज, अरे मुझे लगा, अरे वापस से हट जा, आई रे बाबा रे। लगा दिया मैंने, बिट लगा दी अपनी साइड से एक। ओके भाई ये मैं सस्ती वाली कार खरीदने वाला हूँ, 4 लगती कार। ओके लेट्स गो, मेरी हो गई, लेट्स गो गाइस। आगे आगे वाली कार आ गई, एक कार मेरी हो चुकी है, 31,000 में लिए वो कार। इसकी बिट स्टार्ट करो भाई, बिट स्टार्ट करो, लेट्स गो, बिट स्टार्ट हो चुकी है भाई। ये खेलने में बहुत मजा आ रहा भाई, तगड़ा मजा आ रहा भाई। बाकी मेरे पे पैसे नहीं है, एक सेकंड, बट मैं बिट लगा ही नहीं सकता हूँ, ये क्या पागलपंती है भाई। मेरे पे ऑप्शन ही नहीं था बिट लगाने का, देखो ऑप्शन ही नहीं। 31,000 की अगर मैंने कार ले ली, ओके वो कार ही बहुत महंगी है, ये कार बहुत सस्ती है, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ। अच्छा इसलिए वो हो रहा था, वो 5 लाख की कार गाइस, ये देखो। बाकी रुक जाओ, मेरे को इस पे फोकस करने दो, फोकस 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 फोकस। नहीं 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 गाइस गाइस, शायद मिल जाएगी, शायद मिल जाएगी ये कार। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई। भाई वो जो कार थी ना इस पे जिसमें मैं बिट नहीं लगवा पा रहा था, वो कार ही 5 लाख से स्टार्ट थी इसलिए नहीं लगवा पा रहा था। लेट्स गो भाई, मिल गई मेरे को कार, मिल गई है। और भाई ये देखो, तुम कार देखो, बस एक बार तुम ये कार देखो। बाकी ये तो भाई नई लेवेली सी कार है, 31 डर्टी है, फिर भी कोई बात नहीं, एंटर करते हैं इस कार में, चलाते हैं इस कार को और शॉप पे लेके चलते हैं। भाई वो 5 लाख वाली कार जो थी ना वो बहुत तगड़ी होगी भाई, लेकिन ठीक है एक दिन मैं वो भी खरीदूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लगवाओ इधर, डैमेज नहीं है वो, मत डैमेज करी। चलो लेट्स गो। अरे मैं इतनी दूर चल के जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट दोनों को टो करा सकता था और अपनी धनों से आ सकता था, लेकिन ठीक है मेरे को ये चला के भी तो देखनी है। धनों को टो करा देता हूँ इस बार और ये चला के लेके चलेंगे, धनों को करा देते हैं अपन टो एंड लेट्स गो। इस गाड़ी को मैं लेके चलने वाला हूँ, चलो फटाफट चलो। भाई 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 ये स्पोर्टी है भाई, मोटी जीप जैसी होने के बाद भी स्पोर्टी है, लेकिन ठीक है। इसको मैं पार्क कर रहा हूँ डायरेक्ट अपनी ऑफिस में जिससे कि बिक जाए, लेट्स गो। और भाई ये यार इस वॉल का मैं क्या करूं, मुझे कोई बताएगा प्लीज। एडिट में जाता हूं और डिलीट पे क्लिक कर दिया एंड डन। ओके शायद वो डिलीट हो गया, चलो बढ़िया। अभी मुझे ऑफिस ऑन करना है एंड लेट्स गो, कस्टमर्स वगैरह आ जाएंगे, उससे पहले मैं इन दोनों कार को धो देता हूँ बढ़िया से और प्राइस सेट करके रख देता हूँ, देखते हैं कितने में बिकेगी कितने में नहीं। बाकी ये ज्यादा गंदी तो नहीं थी, लेट्स गो। इस कार को मैंने पूरा साफ कर दिया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखते हैं ये कितनी साफ हुई। ओके 0% डर्टी है। अभी इस कार साफ करने की बारी, और ये तो बहुत गंदी है भाई, लेकिन इसको भी मैंने साफ कर दिया है, थोड़ा बहुत बच रहा होगा शायद। ओके नहीं नहीं बच रहा भाई एंड डन। कस्टमर्स भी आ गए उस कार के लिए, क्योंकि इस कार को तो मैंने लगा ही नहीं रखा अभी। ओके ये कार 60,000 में लगा रखी है और शायद मैं 30,000 में लाया था इस कार को, 42 देने को तैयार है ये। हेलो मैम आप बताइए, पहले आप बताइए, 15% डर्टी है ये, 44 में दे रही है, भूल जाता हूँ भाई इतना बोलता हूँ एक तो मैं, 44 वो और ये दे रहा है 42। रुक जाओ अगर मैं इसको साफ कर दूं तो तुम्हारी प्राइस बढ़ेगी। चलो साफ कर दिए मैडम, अब आप एक सेकंड रुकिए, एक बार मेरे को इसकी प्राइस। ओके कंप्यूटर यहाँ है भाई अपना, इस बार इसकी प्राइस देख के आने दो। ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या थी, 28+, ठीक है 28 की लाए थे अपन इसको, और वो 44 में मांग रही है, बुरी नहीं है। बाकी अपन ये गाड़ी एक सेकंड देखेंगे, इन गाड़ियों को बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों गाड़ियों को। अपने को ना इससे एक परफेक्ट डील करनी चाहिए, जो कि मेरे जहां तक होनी चाहिए 47,000। लेट्स गो, ले जाओ मैम इसको, 47,000 ज्यादा नहीं है एंड लेट्स गो। भाई बेच दिए मैंने अभी ना गाइस, ये इस गाड़ी का नाम है उंडे, उंडे नाम से कुछ है तो है भाई, रुक जाओ। ये वाली गाड़ी है, ये अपन को पड़ी है 31,000 की, ठीक है, जिसको मैं ऑब्वियसली 70,000 में बेचने वाला हूँ, क्योंकि डबल ही बेचता हूँ हर भाई, इसको भी डबल लगाते हैं। और जो दूसरी गाड़ी है वो अपने को 52 की पड़ी है भाई एंड लेट्स गो। तो फिर इसको अपन 1 लाख पे सेट करते हैं एंड डन। 10 लाख पे सेट कर दिया भाई इसको मैं, 10 लाख एंड डन। ओके अभी 1 लाख पे और ये 70,000 पे, बाकी एक अपनी धनो है वो तो बाहर खड़ी है, बाकी कस्टमर्स वगैरह आएंगे तो देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है गाइस ये कार कितने में बिकेगी? बाकी मैं इनको ज्यादा सस्ती बेचने नहीं वाला, लेकिन तुम कमेंट्स में जरूर बताना कितने तक की बिक सकती है दोनों कार जो कि मैं अभी ऑप्शन से लाया। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगले एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।